कर्मचारी शिक्षक संयुक्त परिषद की बैठक राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष दुर्ग विजय की अध्यक्षता में नगर निगम के संघ भवन में संपन्न हुआ, जिसके संबंध में परिषद के जिला अध्यक्ष दुर्ग विजय ने बताया है कि 9 दिसंबर को कर्मचारी शिक्षक मोर्चा के द्वारा अनिश्चितकालीन कार्यबंदी होना सुनिश्चित था, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश पर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा एवं मोर्चा के अध्यक्ष बीपी मिश्रा एवं संपूर्ण कमेटी के साथ बैठक की गई, जिसमें 12 सूत्री मांगों पर बिंदुवार विस्तार से वार्ता हुई तथा मुख्य सचिव द्वारा मोर्चा के कई मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिए और कई मांगों पर इसी माह में निर्णय करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसको देखते हुए 9 दिसंबर को होने वाले अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार को 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 1 माह के बाद अगर सरकार सहमति का शासनादेश जारी नहीं करती है तो प्रांतीय नेतृत्व द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सोन बाला सोनकर, राजनाथ सिंह, रविंद्र नारायण दुबे, गीतांजलि मौर्य, राम सूरत यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष दुर्ग विजय ने कहा, मैं सभी का नगर निगम परिसर में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। शुक्रिया था कि शासन प्रशासन से लगाए सारे लोग इलाहू से लगाए रिपोर्ट देते रहे, क्योंकि आज कार्यक्रम यहाँ का नजारा कुछ और रहा होता, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के नेतृत्व में, मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक बैठक करके कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के कारण हम लोगों की 1 महीने के लिए इस कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। ये आज समन्वय समिति के अध्यक्ष जी के निर्देशन में और नेतृत्व में ये आज बैठक की जा रही है कि भविष्य में भी जो शासन प्रशासन की जैसे भी संगठन संचालित होते हैं वो होते रहें, नहीं है कुछ अफसरों की गड़बड़ियाँ से भी यहाँ विसंगतियाँ पैदा हो गई हैं। कहीं पे किसी की सेवानिवृत्ति के बाद उनको देर से नहीं मिल पा रहा है, किसी की पदोन्नति रुकी हो, इसमें हर चीज में शासन इन्वॉल्व नहीं है। कहीं भी किसी कार्यालय पर अगर किसी कर्मचारी का उत्पीड़न होता है तो वो टास्क फोर्स जो समन्वय समिति बनेगी एक साथ एक आह्वान पर और एक ग्रुप बना करके जब भी आपको मोबाइल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, मैं दुर्ग विजय जिला अध्यक्ष राज कर्मचारी संयुक्त परिषद और सचिव राज कर्मचारी शिक्षक मोर्चा गोरखपुर, आज की बैठक कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चे के तहत आज 9/12/2021 को आंदोलन होना था, चूँकि अनिश्चितकालीन कार्यबंदी थी, लेकिन सरकार ने हम लोगों की मांगे आप लोगों के माध्यम से वहां तक पहुंची हैं और कल माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्य सचिव के नेतृत्व में ये बैठक की गई है और 1 महीने का समय मांगा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि कुछ समस्याएं 1 हफ्ते में, कुछ समस्याएं 10-15 दिन में, ऐसे करके समय लिया गया है। अगर इसके अंदर सरकार हम लोगों की मांगे पूरे कर देती है तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो सारे कर्मचारी सरकार के विकास में, देश के विकास में, जन के विकास में, ग्राम सभा के विकास में लगे हुए हैं, अपने दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन का पालन कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग कोविड जैसी महामारी में अपनी जान की बाजी लगाकर पालन कर रहा था और आज भी वैक्सीनेशन का काम कर रहा है और हमेशा करता रहेगा। अगर सरकार हम लोगों के बीच में कोई अवरुद्ध लाने का काम करेगी या 1 महीने के अंदर जिन्होंने वादा नहीं निभाया, वादा निभाने का वादा किया है, अगर नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से कर्मचारी शिक्षक मोर्चे के तहत जो भी निर्देश आएंगे उसका हम लोग पुरजोर समर्थन करके फिर उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।